डर लगा भाई, हम गांव घर में नहीं आए हैं, हॉन्टेड घर में आ गए हैं, घूम रहे हैं और डर लग रहा है फुल खतरनाक वाला। इधर इधर देख, चारों तरफ घूम रहे हैं, ये हमारे ऊपर ही घूम रहे हैं बिल्कुल चमगादड़ भाई। यहाँ पे तो फुल चमगादड़ घूम रहा है, हमें डर लग रहा है। तो मैंने ये पूरा फेस कवर कर लिया, अगर फेस ऐसे चिपकेंगे तो बच जाऊंगा मैं। और देव कैसे बचे, देव ऐसे पीछे छुपे बचे हम। देव ने पता ही क्या किया अभी, यहाँ गांव के पानी का पता नहीं क्या सीन है, खराब सा पानी। तो खराब पानी नहीं है, खराब साबुन है। नहीं साबुन खराब था, तो साबुन लगाया देव ने और पूरा वाइट वाइट हो गया देव, और छूट भी नहीं रहा था भाई। यहाँ का पानी इतना नमकीन है, मतलब क्या ही होगा, सब्जियों में डाल दो तो नमक की जरूरत ही नहीं है। दिए में सर मत लगा ली, कहीं जला ले बाल ऐसे लगा लेंगे, ऐसे ऐसे लगा के चला करूँगा मैं आपको, ठीक है। इससे ना ऐसे इससे क्या है कि चिपकली नहीं आएगी रूम में और ये सूख भी रहता है। ये देखो सामने से हमारा घर, ये है कुछ फ्रंट, और यहाँ से रास्ता एक छोटा रास्ता। राम राम जी, राम राम, राम राम चाचा। वो ये तो पूरे भाई यहाँ पे वो उग गए हैं, घास वास ये वो, और ये छत वत का रास्ता, और ये नल लगा हुआ है हमारे यहीं पे बिल्कुल बीच आंगन में, और ये है घर। चाबी एरी छोड़, छोटा सा नहीं लग रहा कितना घर, छोटा हो गया है क्या जैसे जैसे हम बड़े हुए पता चलेगी वीडियो भाई। मतलब वो पुरानी यादें ज्यादा हो गई भाई, जो मतलब आते थे हम लिटरली भाई, मजा सा आ गया। काफी टाइम बाद आया हूं यहाँ पे, लेकिन वो वर्थ ही है यहाँ पे आना, पूरा वर्थ इट है, पूरा मजा सा आ गया यहाँ आके। भाई साहब इस रूम में भाई चमगादड़ घूम रहे हैं भाई, ये खुल गया हमारा ये खुल गया हमारा, ये हैरी पॉटर वाला रूम इसमें वैसे यहाँ चमगादड़ घूम रहे अंदर। भैंस की टांट कैसे घूम रहे हैं। अब माँ वो पापा और देव वहां गेट खोल रहे हैं, वो वाला भाई यहाँ मेरी पटरी पता है भाई, ऐसे घूम रहे पांच छे, ये ऐसे घूमते रहते क्या। अबे यार यहाँ भी आ गया, ओ माँ ऐसे घूमते ही चमगादड़, भैंस की आंख खतरनाक, डर लग रहा है यहाँ तो। अबे यार ये नहीं देख रहे वो भैया जा रहे हैं, देखो घूम घूम के बात की कितनी बढ़ रही है, ओ देख डर लगा भाई, हम गांव घर में नहीं आए हैं, हॉन्टेड घर में आ गए हैं, चमगादड़ घूम रहे और ये डर लग रहा है फुल खतरनाक वाला। इधर इधर देख, चारों तरफ घूम रहे हैं, ये हमारे ऊपर ही घूम रहे हैं बिल्कुल चमगादड़, देखो ये थोड़ा बहुत कैप्चर हो रहा होगा, इधर से चारों तरफ से घूम रहे हैं। देव छत पे चल रहे हैं भाई, इधर इधर रिस्की सा लग रहा है मुझे, ये घूम रहे इधर से इधर, चल 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 जब तक चल रहे भाई, डर सा लग रहा है मुझे। ओ भाई डर लग रहा है मुझे भाई, मुंह पे हाथ रख ले, मुंह पे चिपक, मुंह पे भी चिपक जाते हैं, मुंह पे हाथ रख ले बस, चलो ना कल चलोगे यहाँ बैठे हुए भाई, हम अंदर इतनी इजीली घुसे थे यहाँ आओ ना जल्दी यार, मिशन बाहर निकलो, चलो सा पेड़ का था पल्ले घर भाई। यहाँ पे तो फुल चमगादड़ घूम रहा है, हमें डर लग रहा, तो मैंने ये पूरा फेस कवर कर लिया, अगर फेस वेस पे चिपकेंगे तो बच जाऊंगा मैं। और देव कैसे बचे, देव ऐसे मेरे पीछे छुपे बचे, हम जा रहे हैं अंदर चोरी करने जा रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ हॉन्टेड प्लेस में ऐसा लग रहा है, ऐसा सही लग रहा है, डर से लग रहा है भाई, मुझे तो दिख भी नहीं रहा, और मम्मी पापा फुल रिलैक्स्ड
पापा जी कैसे हैं? पापा में ताला चाबी खोल रहे हैं, मतलब ताला खोल रहे हैं रूमों का। भैंस का यहाँ पे देखो, गेट पे, यहाँ पे देखो गेट पे लाइट मारो, ये वाले पे ओ भाई जाला है, और मकड़ी आ गई तो जंप मारेगी सीधे मुंह पे इस पैटर्न में। क्या हम अंदर ना सकते? क्या हुआ? चलो चलो, हम नहीं रुकना चाहते भाई, हमें अभी अबे आ रही लाइट। हाँ पापा जी, जब तक लाइट का इंतजाम कर लेना। लाइट आई नहीं थी क्या? कहाँ है? आ रही थी ना, अरे इन्वर्टर वगैरह होगा उनका। बिना लाइट के रात काटनी, फोन चार्ज हो जाएगा उनके यहाँ, कर लेंगे ना फोन वहाँ चार्ज कर लेंगे। वैसे तो 43% है अभी, चल जाएगा रात तक। ओ अब जाके क्लियर हुआ है भाई ये रूम। चले गए ना पहले? भाई साहब अभी तो इतना डर लग रहा था, अब जाके क्लियर हुआ है ये पूरा रूम। तो भाई अभी यहाँ पे एक वो है डिसएडवांटेज की लाइट नहीं आ रही है भाई, और बैटरी कम है 43%, तो ऐसे में ही करना पड़ेगा। ये रूम ले यहीं पे घूम रहे थे वो सारे, सुबह दिखाएंगे पूरा, सही दिखेगा सुबह। इसका नाम क्या दे, इसका भी तो नाम बता दे। चुम्मी नाम है इसका। इसने बहुत सारे खाए हैं। चुम्मी दियो जरा इसे। नाम देखो इसका, चुम्मी रख दिया। चुम्मी मजाक कर रहा हूँ, पता नहीं क्या नाम है, लेकिन जो भी नाम है इसने अपने बच्चे दे दिए थे आपस स्टूडियो पे तेरे को। बच्चों तो भाई अब तो आ चुकी है, मतलब यहाँ पे लाइट आ चुकी है इस वाले रूम में। तो ये बल्ब लगाया है यहाँ पे, ये होता है ना छोटा वाला, वो सूरज जैसा बल्ब ये लगाया, इससे आ रही है लाइट पूरे रूम में। और लैपटॉप चार्ज करने का और फोन चार्ज करने का सिस्टम तो हो जाएगा, सही है। लाइट आती रहे तो सही है बिल्कुल। अब दिखाता हूँ मैं थोड़ा बहुत, रूम टूर करवाता हूँ। बाकी हमने यहाँ बाइक अंदर कर दी है, यहाँ पे अंदर ये मेरी बाइक खड़ी हुई है, सुबीर दिस साइड, और ये पापा जी की दिस साइड। और ये है, अब दिखाता हूँ आपको क्या सीन था, कैसा था। ये रूम है, एक ये रूम है, और ये आंगन। और ये है नल। अभी प्लान ये है कि घर में पानी नहीं है तो पानी लेके आना है, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए पानी नहीं है तो वो लेके आना होगा, बाहर से भर के लाना पड़ेगा, या बगल वालों के घर में नल है वहाँ से, और पीने का पानी लेके आना पड़ेगा। मतलब मैं तो दिल्ली से वो बॉटल लेके आया था अपनी वाली पानी की, तो अभी वो वाली पानी की बॉटल में इतना पानी है सिर्फ इतना था, तो वो पानी पी के मतलब यहाँ पे तो वो पानी इस तरीके से समझ लो अमृत की तरह लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा सिप सिप मारेंगे। बाकी यहाँ का पानी पियेंगे एक गिलास, और दिल्ली का पानी पियेंगे एक सिप, तो टेस्ट मैच करने के लिए। तो देखते हैं अभी सीन क्या है। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सारे बढ़िया हो गए। तो आज हमारे गाँव में हमारा दूसरा दिन है, कल तो शाम को ही हम पहुँचे थे, खाना वाना खाया, फिर बस इधर उधर मिल रहे थे रिश्तेदारों से, जो भी मतलब यहाँ जान पहचान के उनके यहाँ गए थे, और फिर खाना वाना खा के हम सो गए थे, थक भी गए थे ना काफ़ी। तो फिर आज है भाई दिवाली, हैप्पी दिवाली टू ऑल। जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक तो दिवाली के कितने दिन बीत गए होंगे, बट ये दिवाली का ब्लॉग है। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल। और यहाँ गाँव में, गाँव वाले घर में भाई हम साफ सफाई करवा रहे हैं, मम्मी तो उस साइड साफ कर रही है, और पापा भी। मैं आपको पूरा रूम टूर दूंगा, कि मतलब रूम टूर क्या, हाउस टूर दूंगा पूरा हमारा, ये घर दिखाऊंगा अभी रोशनी में। मतलब कल रात दिखाया था समझ नहीं आया होगा कुछ, लेकिन अभी पूरा अंधेरा नहीं हो रहा, अभी उजाला हो रहा, उजाले में दूंगा कैसे क्या रूम है। अभी मैं हूँ सबसे बड़े वाले रूम में हमारे घर के, और ये है मेन रूम, मतलब जो बैठक वाला रूम होता है ना वो समझ लो, उस तरीके का रूम है। तो यहाँ पे मैं साफ सफाई कर रहा हूँ, मेरा साफ सफाई का काम है अभी। तो यहाँ थोड़ी सी लाइट ऐसी सी आ रही है, मतलब देख लो। हाँ मैं ये खोल देता हूँ खिड़कियाँ, शायद थोड़ी अच्छी लाइट आए।
तो मैं अभी ये बुक्स वगैरह साफ कर रहा था, इस कपड़े से साफ कर रहा था, और यहाँ पे बुक्स रखी हुई थी मेरे चाचा की। और चाचा जब पढ़ाई करते थे 2009 के टाइम की, पता नहीं कब की बुक है, पुरानी इंग्लिश वगैरह की, उनके कोर्स की वगैरह की, तो वो साफ सफाई कर रहा था। और मेरे को ये पूरा सेक्शन साफ करने के लिए दिया, ये जितने भी सेल में ये सामान वगैरह रखा हुआ है ये साफ करना है, दोबारा से यहीं पे सेट करना है, और ये मंदिर वगैरह का भी साफ करना है पूरा। तो ये पूरा काम दिया हुआ है मेरे को अभी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। और उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, खाना वाना खा पी के थोड़ा गांव में देखेंगे, राउंड राउंड मारेंगे, अपने बाइक पे राइड वाइड करेंगे। और उससे पहले मैं आपको हाउस टूर दे दूंगा, ठीक है? तो अभी मैं कर लेता हूँ ये काम, वरना मम्मी डांट देगी। अभी सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया, नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं किया, ना फ्रेश व्रेश हुआ, सुबह सुबह उठ के बस डायरेक्ट इसी में लग गए हैं। वैसे तो यहाँ दिल्ली में होता तो मतलब वही जल्दी उठ गए होते, ट्रेनिंग पे चले गए होते, बट यहाँ पे हम 8 बजे तक सोए और उसके बाद उठ गए थे। कर लो, यूज करोगे आया था वो कस्टमर बिछा देता, लेके आ रहा नहीं तो बिछ जाएंगे, वरना ये यूज कर लेना। मैं जा रहा यार, फ्रेश होने का, साफ सफाई करके थक गया मैं। तो ये देव नहा लिया यहाँ पे। देव ने पता ही क्या किया अभी, यहाँ गांव के पानी का पता नहीं क्या सीन है, खराब सा पानी, तो खराब पानी नहीं है, खराब साबुन था। नहीं साबुन खराब था, मैंने बोला था मौसी से, तो साबुन लगाया देव ने और पूरा वाइट हो गया देव। और छूट भी नहीं रहा था, छूट गया भी नहीं, छूटा। और मम्मी यहाँ बना रही है खाना, पता नहीं क्या बना रही, खीर बना रही मम्मी है। और यहाँ पे इस पे बनेगी खीर चूल्हे पे, गैस सिलेंडर खत्म, सिलेंडर था बट उसकी गैस बीत गई है, मतलब खत्म हो गई है, तो ये सीन है बस। अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। तो ये लो जी भाई, पूड़ी भी सिक गई है, बट मैं अभी खा नहीं सकता क्योंकि मैंने अभी ब्रश नहीं किया। अभी मैं ब्रश व्रश कर लेता हूँ, फिर वो फेस वॉश करके नहा दोगे फिर खाएंगे, बाकी फिर उसके बाद मैं आपको पूरा हाउस टूर कराऊंगा, बताऊंगा पूरी हिस्ट्री वगैरह 1947 के टाइम से ही घर पूरे बताऊंगा। मैं जरा ट्राईपॉड ढूंढूं, ट्राईपॉड नहीं मिल रहा, चलो छोड़ो बिना ट्राईपॉड के ही काम चलाते हैं। भाई यहाँ का पानी इतना नमकीन है, मतलब क्या ही होगा, सब्जियों में डाल दो तो नमक की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पापा सेक रहे पूड़ी और मम्मी बना रही है, मम्मी बेल रही है, पापा सेक रहे, आज हलवाई बन रहे। अभी यार कर लू जरा मैं। सो गाइस अभी मैं नहा लिया हूँ, नहा धो के रेडी हूँ, अभी हम जा रहे हैं जो खीर पूड़ी बनाई थी वो सबसे पहले तो हमारे जो ग्रैंड के ग्रैंड पेरेंट्स थे, मतलब दादा दादी को भोग लगाने जा रहे हैं, उनका वो बना रखा है ना समाधि स्थल, थान बोलते हैं उसे हमारे उसमें, तो वहाँ पे जा रहे हैं हम उन्हें भोग लगाने, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे और फिर उसके बाद मैं आपको हाउस टूर दूंगा, ठीक है? अभी बहुत टाइम हो गया बोलते, अभी फाइनली कर ही देते हैं, बताऊँगा मैं पूरा। तो अभी जा रहे हैं, मम्मी रेडी हो रही है और देव तो खेतों में निकल चुका है, गांव में आके देव बावला हो जाता, मतलब ऐसे छूट जाता है जैसे कुत्तों को घुमाने नहीं ले जाते गलियों में, छोड़ देते तो ऐसे भागते हैं घरों में से, ऐसे भागते हैं यहाँ से, खेतों में निकल चुका है, हम हमसे कोई रिश्ता नाते ही नहीं है उसके, ऐसे निकल चुका है।
जाते हैं फिर अभी। क्या पैर धूपबत्ती नहीं जला एक देखा सूर्य तलवार कांटा भी लग गया लगा लिया तूने मतलब इतनी देर में खाली तो बैठ ही नहीं सकता कुछ ना कुछ कर ही लेगा मतलब है यहीं रख दो ना आगे यहीं रख दो हाँ बस किन्ना तू नहीं चुका लाए मुझे दे पंख तो एक और पड़ी है बड़ी दिए में सर मत लगा ले कहीं जला ले बाल क्या कर रहा है देव ने ये कलेक्ट करे हैं मोर के पंख ये लगा देंगे रूम में ऐसे लगा लेंगे ऐसे ऐसे लगा के चला करूंगा मैं आप ठीक है सही है ना ऐसे इससे क्या है कि चिपकली नहीं आएगी रूम में और ये सुख भी रहता है सो ये है हमारे ये हमारा दूसरा मतलब एक तरीके से पार्किंग लॉट और यहाँ पे हमने वो बना रखा है दादा दादी का स्थान यहाँ पे पार्क वार्क कर सकते हैं गाड़ी वाली स्पेस काफी है ना इतना दिल्ली में होता तो मजा ही आ रहा था मतलब रियल एस्टेट के मालिक होते हम काफी रियल एस्टेट है हमारे पास क्या बोले हम यू नो वी आर जेफ बेजोस नहीं वॉरेन बुफे नहीं क्या नाम है उसका रिच डैड पुअर डैड क्या नाम है उसका नाम याद नहीं आ रहा बट उसके पास बहुत सारा रियल एस्टेट है तो हमारे पास भी बहुत सारा रियल एस्टेट है बट गांव में यहाँ पे कोई इसकी वो नहीं है क्या बोलते हो कुछ तो बोलते ही है।
कुछ नहीं बोलते।